हो गया। तो और भाई कैसे हो यार? तो यार तुम्हें पता चल ही गया होगा कि वीडियो किसके ऊपर होने वाली है, ठीक है? तो यार आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं IIIT दिल्ली के पूरे स्पोर्ट्स कल्चर के बारे में। सारी तुम्हें कोर्ट्स दिखाएंगे, स्पोर्ट्स ब्लॉग दिखाएंगे। अभी हम आ चुके हैं, रात के अराउंड 10 से 11 बज रहे हैं और पूरा शूट करके ही यहाँ से निकलेंगे, ठीक है? एक्चुअली यार हम लोग के अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो यार वीडियो तुम लोग को काफ़ी ज़्यादा लेट मिल पा रही थी, तीन चार दिन हो जा रहे थे। बट अभी क्या है कि यार आज ही हम लोग का एग्जाम खत्म हुए हैं, तो यार हम लोग अभी फ्री हैं और सोचा ये वीडियो भी बना लें। बट अब से प्रॉमिस कि यार वीडियो अल्टरनेटिवली ज़रूर आया करेगी, ठीक है? और यार जैसे कि तुम्हें पता है यार, चैनल का थोड़ा नाम चेंज करने की सोच रहे थे, उसके वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ पे मिल रहा होगा कहीं पे, जाके देख लेना और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता देना कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो भी है। तो चलो यार वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक कर देना, एम करते हैं यार इसमें 100 लाइक्स की, आराम से हो जाने चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छी वीडियो बनाने वाले हम। और दूसरी चीज़, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है? तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यार गाइस अभी यार हम लोग बास्केटबॉल कोर्ट आ चुके हैं और यार सीन ऐसा है कि यार यहाँ पे एक स्पोर्ट ब्लॉक होता है, वहाँ पे एक ना रूम होता है, वहाँ पे तुम्हें कोई भी एक्सेसरीज चाहिए होती है तो तुम्हें क्या क्या करना होता है, अपना आई कार्ड सबमिट करना होता है और तुम्हें जो जो सामान चाहिए होता है ले सकते हो, ठीक है? अब मैं तुम्हें क्या करता हूँ यार, यहाँ का तुम्हें सिनेमेटिक्स दिखा देता हूँ, ठीक है? तो गाइज़ एक और चीज़ तुम्हें दिखाते हैं यार, यहाँ पे क्या है, जो बास्केटबॉल कोर्ट है और टेनिस कोर्ट वगैरह, यहाँ पे इन्होंने अभी रिसेंटली यार ये पानी का भी लगा दिया है, ठीक है? पहले ये नहीं हुआ करता था तो काफ़ी दिक्कत होती थी, तो अब इन्होंने ये भी लगा दिया है। तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं वॉलीबॉल कोर्ट में, ठीक है? वॉलीबॉल कोर्ट ही होता है ना यार? हाँ। और ये भाई हमारे सब्सक्राइबर मिले हमें। कौन सी स्ट्रीम में हो यार? सी सेम में। अच्छा, कौन सी ईयर? सेकेंड ईयर है ना? सेकेंड ईयर में। ओके, बढ़िया चलिए पढ़ाई। हाँ चलो ठीक है, ये वॉलीबॉल कोर्ट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। तो यार यह है फुटबॉल का ग्राउंड, ठीक है? और यह है वॉलीबॉल का ग्राउंड। तो तुम देख रहे हो कैसे बना रखा है, यहाँ पे इतनी जगह की कमी है ना यार कॉलेज में, कि देखो फुटबॉल का इन्होंने अच्छे से बना दिया बट यहाँ पे देखो वॉलीबॉल के लिए ज़्यादा जगह नहीं बची, तो ये देखो वी शेप्ड कुछ इन्होंने बना रखा है। क्रिकेट भी तो खेलना होता है। तो यार गाइस अभी हम लोग फुटबॉल ग्राउंड में आ चुके हैं और यार ये जो फुटबॉल ग्राउंड है और यार यहीं पे हम लोग को क्रिकेट भी खेलना होता है क्योंकि यार इतना ज़्यादा छोटा है, इतनी जगह नहीं है हमारे कैंपस में ना। तो यार अभी रात हो रही फिलहाल, ये तो मैं अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा। हम लोग एक काम करेंगे, कल सुबह हम लोग इसके सिनेमेटिक्स लेके वीडियो में ऐड कर देंगे, ठीक है? तो अभी चलो यार चलते हैं अंदर, उन्होंने स्पोर्ट्स ब्लॉक में काफ़ी सारे वहाँ पे और भी स्पोर्ट्स हैं, वो तुम्हें दिखा देंगे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है? चलते हैं। तो गाइस यार अभी हम आ चुके हैं स्पोर्ट्स ब्लॉक में IIIT दिल्ली के, ठीक है? तुमने सिनेमैटिक्स में देख लिया होगा कि बाहर से स्पोर्ट्स ब्लॉक कैसे दिखता है, अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले हम यार तुम्हें दिखाएंगे स्क्वैश कोर्ट्स, ठीक है? चलो अब जल्दी से अंदर चलते हैं, यहाँ पे दो है, ठीक है? तो चलो। स्विमिंग पूल भी है जैसे कि तुम्हें एक पीछे बोर्ड दिख रहा होगा। तो यार सीन क्या है कि अभी ये बंद है, रात हो रही है, ठीक है? अगर इसकी क्लिप वगैरह मिलती है तो हम लोग वीडियो में ऐड कर देंगे, ठीक है? तो चलो अब आगे चलते हैं, टेनिस कोर्ट वगैरह जिम वगैरह दिखाते हैं। ओके, अभी जो तुमने सिनेमैटिक शॉट्स में देखा है वो है बैडमिंटन का कोर्ट, ठीक है? ये ग्राउंड फ्लोर में आता है। अब हम जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है? वहाँ पे तुम्हें दिखाएंगे जिम है वहाँ पे, और वहाँ पे और भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं, वो तुम्हें सारा दिखाएंगे। चलो चलते हैं।
तो गाइज अभी हमने तुम्हें दिखाए थे यार पूल टेबल के शॉट्स, वो रूम के पूरे शॉट्स हमने तुम्हें दिखाए हैं, ठीक है। अब हम एक दूसरे रूम में आए, इसके भी सिनेमैटिक शॉट्स तुम देखोगे। और इन सब के बीच में यार तुम्हें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ में हम जो टूर्नामेंट्स खेलने के लिए जाते हैं उनकी सारी लिस्ट और सारी चीज़ों की कि IIIT दिल्ली का स्पोर्ट्स कल्चर कैसा है, उसके लिए यार तुम डिस्क्रिप्शन एरिया में जाओ, वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ो। तुम्हें काफ़ी सारे स्पोर्ट्स जिनके बारे में हमें पता है उन सब के बारे में हम तुम्हें वहाँ पे लिख के दे देंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, चलो। तो गाइस यार इस वाले रूम में देखते हैं बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को मिल जाती हैं खेलने के। तो तुम जो ये वाली टेबल देख रहे हो ये एयर हॉकी की टेबल है, यहाँ पे वो चीज़ है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो गाइस ये फुटबॉल टेबल है, यहाँ पे हम लोग फुटबॉल खेल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या है। तो यार जो तुम्हें ये चीज़ दिख रही है ना, यह टेबल टेनिस हम लोग यहाँ पे खेल सकते हैं, इसके तुम्हें सिनेमेटिक्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। तो यार गाइस IIIT में योगा क्लासेस भी चलती हैं और ये इसी बिल्डिंग में होता है और ये इन लोगों ने मैट बिछा रखी है उसके लिए। तो गाइस अभी यार तुमने सिनेमैटिक शॉट्स में जिम देखा होगा पूरा का पूरा। जब मैं लास्ट टाइम जिम में आया था तो यार इतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे वहाँ पे, अभी मैंने देखा तो काफ़ी सारे हैं। और हमने सिनेमैटिक्स में ट्राई किया कि यार हम तुम्हें थोड़ा बहुत दिखा सकें ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए, ठीक है। एक्चुअली यार मैं तो जिम जा नहीं पाता बिकॉज वीडियोज़ बनाने में और पढ़ाई में यार काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है, तो इसीलिए यार भाई हमारे जिम जाते हैं तो थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इनसे, ठीक है। हाय गाइस, अभी जिम में गए थे हम। तो जिम मैं आपको जिम के बारे में बताना चाहता हूँ। जिम काफ़ी IIIT का जिम काफ़ी अच्छा है, वो मॉडर्न है, इसमें हर तरह के इक्विपमेंट्स हैं, सो काफ़ी अच्छे भी हैं। और अगर आपको यदि आपको जिम के किसी इक्विपमेंट में कोई ख़राबी मिलती है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है किसी में, सो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट डे के अंदर अंदर वो ठीक हो जाती हैं। और सबसे बढ़िया बात है जिम ट्रेनर की, यहाँ पे एक जिम ट्रेनर भी आता है और वो जिम ट्रेनर काफ़ी अच्छा भी है और हमें काफ़ी इंस्ट्रक्शन देता है। सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, एज अ बिगनर को भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम जिम में जाते तो बिगनर को पता नहीं होता कैसे कैसे कौन से स्टेप कौन से एक्सरसाइज किस प्रकार करनी है। सो ट्रेनर काफ़ी अच्छी हेल्प करता है, बताता है कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है, कितनी करनी है। तो गाइज ये था यार पूरा का पूरा जिम के बारे में भाई ने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। अब ऑलमोस्ट जो टूर है वो पूरा का पूरा कम्प्लीट हो चुका है। पता भी सीन क्या हुआ, हम लोग रूम पहुंच गए थे, सोचा यार वीडियो एंड करते हैं, बट यार अभी अचानक से याद आया कि हरमन ने स्कूटी ना अपनी पार्किंग लगा रखी है। तो सीन क्या होता है कि यार गंदे लग रहे हैं भाई, थोड़ा आगे करना कैमरे को। हाँ ये ओ भाई हाँ अब फिर तो गाइज यार वीडियो के लिए इतना ही था, ठीक है। अभी क्या था कि यार स्कूटी यहाँ पे मैंने पार्क कर रखी थी, यहाँ पे कॉलेज में अलाउड नहीं है। ये तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, कॉलेज में स्कूटी खड़ी करना या कुछ भी व्हीकल खड़ी करना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसे बाहर खड़ी करने के लिए जा रहे हैं। वीडियो के लिए इतना ही था, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब तू बोल, अब बचे क्या बोलने के लिए, कुछ भी बोल दे भाई, कुछ भी बोल दे। बस छोड़ा, बंद करता है।